नमस्कार। मैथिली आ भोजपुरी भाषा में प्रसारण होबय वाला कार्यक्रम सिनुरिया भोर के दोसर संस्करण के 12वां श्रृंखला ल के उपस्थित छी हम संजू। कार्यक्रम सिनुरिया भोर अपने लोकन हरेक शनि दिन भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 MHz, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 MHz, धनुषा जिला में जानकी FM 106 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 MHz, सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 MHz, रोहतक जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 MHz आ परसा जिला में नारायणी FM 103.8 MHz में सुन सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन अछि। जात के आधार में दलित महिला सब भोगने विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर कर दलित महिला सब के शक्ति विहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करय वाला परंपरागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठाव आ हुनका सबक प्रतिरोधक कथा व्यापक रूप में बाहर लाब उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कैल गेल अछि। विशेष कर प्रदेश 2 में बसोबास केनिहार दलित महिला सब के सशक्तिकरण के अभियान में साथ देव हमर सबक अटूट प्रयास रहत। हम सब पलल बढ़ल परिवेश में दलित समुदाय के हाथ सब पानी तक नहीं पिए वाला हुनका सब के छाया में समेत कोनो गैर दलित नहीं पड़ सके वाला मानसिकता ऐ सब पहिलका पुस्ता जेहन नहीं अछि। हमर सबक पुस्ता में दलित सब के साथी बनाब कोनो संकोच नहीं भेलो पर जीवन साथिये के रूप में बनाब पड़े वाला तो ओतेक सहज नहीं अछि। अर्थात पुरनका पुस्ता में जात के आधार में करय वाला विभेद अखनो यथावत अछि, मुदा नया पुस्ता में तुलनात्मक रूप में कम होइत गेल अछि। मुदा विभेदक बात कहल जाय त ओकर स्वरूप में किछ भिन्नता आयल अछि। पढ़ल लिखल आ उच्च जात के कहय वाला आदमी सब अपन विरोध होबय वाला डर से समुदाय में खुलि कऽ जातक विरोध कर कम देखल गेल अछि, मुदा वह आदमी ग्रामीण चेतना के स्तर कम भेल ठाव में गेल त विभेद के ने प्रशस्त घटना सुनल जाइत अछि। आजुक कार्यक्रम सिनुरिया भोर के 12वां श्रृंखला में हम सब 12 आरोथट निवासी 2 गोटे दलित महिला के संघर्ष, समाज में अपन अस्तित्व बनाव लागल समय में भेल सकारात्मक आ खराब अनुभव के साथे हुनका सब अपन उद्देश्य प्राप्ति में हाथ पारने सफलता के कथा प्रसारण कर जा रहल छी। बारा जिला कलैया घोरहा निवासी सुभद्रा कुमारी पासवान 21 वर्षक भेलथि। पासवान के घर रहल बस्ती में समुदाय अंतर्गत चमार आ दुसाध के कह जम्मा 10 घर रहल अछि। गैर दलित बस्ती में रहैत आयल जाइते के कारण दलित परिवार के दबा कर राख खोजने आ विभेद कैल जाइत अछि। कतिपय अवस्था में तो गाँव में दलित आ गैर दलित के दुट्टा समूह बना कर बड़का बड़का झगड़ा सब सेहो होइत अछि। शिक्षा आ चेतना के कारण पछिलका समय ई समस्या कम भेल जेहन लागैत अछि। कोनो पानी भरे गेलक न हमनी के जात जहाँ चल जाय तो पानी भरे ना दी पानी कल में हटा दी मतलब कह के तू उतर जो गज दलित बारे कह के हमनी के चल जाये तू जई है कह के तो हमनी के जाय से पहले ओकनी के रहेला तो हमनी के ना जानी आखिर हमनी के झगड़ा करम बोलबो करेम तो हमनी के बात तो ना रहेला केकरो भी तो लड़ ओड़ के रहबे करे ना कहे की ना रहनी अपन हकल कौन छोड़ देला लड़बे करेला सब आदमी कह के हार गए अब कथी करे अब जो पुराना जमाना के आदमी बाटे नु तो सब सोच तो रख लई बाटे अब तक हमारा लागे ला नु अब बहुत कम हो गए बाटे पहले जैसे अब कहा हिंसा होला पहले हमनी के मतलब अखनी तक बड़का भइल बानी तो अब तक कम देखेनी पहले लड़का रही तो हमनी के बहुत देखनी अब तो कम देखेनी बहुत सुधार आ गए बाटे हम देखेनी जैसे कि पहले हमनी के रानी से तो हमनी के मतलब दलित रानी तो हमनी के अपन कमा खा रह यही होते न करे दूसरा के घर में जो मतलब हमनी के घर दलित रानी दूसरा के बड़का आदमी के घर काम करे जाम तो हमनी के पाता में दिखाए के आम यदि एथी के पानी में दी पिए के मतलब हाथ से पानी गिराई तो हमनी के हाथ से रोक के पिए ऐसे ऐसे मतलब पहले बाबा के नीचे जमाना में पापा के नीचे यही होते होते रहे कह के पाता में खाए के दी दुआर पर बैठाई मतलब एगो दूसरे ना
इतना बुझाला कि मतलब बहुत हिंसा जैसा तो ओदा महसूस नानी मनु खेला आ पहले हमनी के मतलब बिया हुआ हो खेला था भोज खाए आदमी ना जाला तो आदमी भोज खाई जाई तो मतलब हमनी के दलित बानी तो दलित के अलगे बैठाई आ गैर दलित के अलगे बैठाई तो ओमे हमनी के लाज लागे तो कौन कौन आदमी तो अभी हमनी के अथी के भोज खाए ना जाला कह के कि हमनी के अलग बैठे नी छाट के बैठावेला वैसे मैम तका नानी मन फीलिंग आवेला पहला पहला के एथी में हम बाबा के पापा के जमाना में बहुत एथी नानी मन होत रहे अपनी तो ठीक ठाक देखे नी अब लोग पहले तो लोग उतना भोज खाए ना जाए सब अब बेरा के बैठावे मैम ना रहेला कि हेने मतलब एथी लाखा बैठावेला तब अलगे सुभद्रा अपन गांव में दलित सब पाव वाला सुविधा से वंचित कराब खोजल गेन बेर बेर देखने ततबे मात्रे नहीं भक अखन से हो जातक आधार में कर जाए वाला विभेद कायम रहल अछि। हुनकर अनुसार अपना सब विभेद विरुद्ध आवाज उठौला पर आ प्रतिकार केले के कारण अखन विभेद आ जातीय छुआछूत कायम रहलो पर स्वरूप किछ परिवर्तन भेल अछि। अभी मतलब हम जरिए से देखते आयल बानी तो ठीक ठाक उतना नहीं मतलब ठीको बा नहीं ठीक बाटे सूचना अनुसार कबो ठीको लागेला कबो नहीं ठीक लागेला कहियो रही के मन ना करेला कबो 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 कोनो बात सुने नी तो ना निमन लागेला कोनो कोनो बात सुने नी तो अच्छा लागेला कबो मतलब हिंसा उंसा करेला तो ना अच्छा लागेला निमन से कोनो मतलब बात व्यवहार बोल के आदमी चलेला नु तो अच्छा लागेला की हाँ मन में कितना फीलिंग आयल की हाँ अब भी बुझाता नहीं की मतलब गाँव समाज में बैठल बानी कह के हमनी के मतलब दलित दलित एक ओर हो जानी कबो गैर दलित तो एक ओर हो जाला आ कबो हमनी के दलित दलित में बात ना मिलेला तो झगड़ा हो लागेला ये मतलब जैसे कि रोड विकास देलक तो आधा दूर रोड हमनी के निमन ढलाल बा तो हमनी ओरी जन दलित बानी तो हमनी के रोड बाटे तो सब खाल ढलावेल बाटे तो ओला हमनी के अपने अपने में मतलब पटना बैठेला कहे की हमसे कह करके हमसे कह के करके कह के तो हमनी के कबो एक मुंह धोके नहीं कबो ओने से झड़ झगड़ा होकेला तो हमनी के कहेला की किसी के बजट आयल ऊपर से बजट ना आयल बा जो एमे पिटा गल जन पिटा गल पानी पकड़ा जन दिन रहेला न ओमे हमनी के बहुत गैजन होकेला मतलब पानी में लागल हमनी के आये के दिक्कत इतना होकेला न की साफ रहे के मने ना करेला मतलब ना रहेला घीन जैसन लागेला सुभद्रा अपन अनुभव आ देखल बात सुनाबत केला पर गैर दलित आदमी सबके व्यवहार ठाव आ परिवेश अनुसार सेहो फरक होवे वाला बताबै छथि। एक गोटे हुनके गांव के गैर दलित शहर में रहला पर अपना सबके एठाम आबि कऽ ख्याल करै छथि मुदा वह व्यक्ति गांव में आब के साथे परिवार आ परिवेश से होब सकैय अपना सब संगे विभेद केने घटना सब एना के याद करै छथि। अभी हमनी के गाँव में बनी नु तो गाँव में सब छुआछूत मानी आई है हमनी के हमारे पापा पहले कलेर है नु तो उहे बड़का बड़का आदमी हमनी के रूम में खाना खा ले आ छुआछूत ना माने फिर उहे आदमी आके हमके गाँव में इतना हिंसा जैसे करे की है दूर रह तू दुसाद बारे तू अथी बारे उन्हें रह आ हमनी के मने मन में कही की दुख पड़े ला आदमी के तो ना चिनाई अथी या ना अथी हुई पड़ा तो हमनी के घरे खाना खा ले आ जब ओकरा सुख के दिन अलग तो हमनी के ओकरा घरे दुआर पर चल जाम तो वे हमनी के बिलगावे लागी चुआ छूत तो बरोबर की गरीब तो गरीबे न बा मतलब दलित तो दलिते न भेल कह के ओकरा घर के तक पानी ना पियल जाला तो हई ना करल जाला हाउ ना करल जाला हाथ के टोल खाए के ना नहाए के पड़ी। सुभद्रा आ हुनकर भाई बहिन मात्रे हुनका सबके गांव के दलित समुदाय मध्य बेसी पढ़ल लिखल छथि। समाज में व्याप्त कुरीति कुप्रथा विपन्नता लगाई तक विभेद हटाव चेतना के स्तर बढ़ाव पड़े वाला अनिवार्य जेहन अछि। पछिलका समय दलित समुदाय अपन बेटा बेटी के पढ़ाव खोजलो पर हुनका सबके ओ आकांक्षा में विपन्नता के बाध्यता समस्या के रूप में बनि चुकल अछि। साथे कतिपय परिवार अपना सब कतबो समझेला पर पढ़ाव नहीं माने वाला सुभद्रा के अनुभव अछि। इतना नहीं के कोनो मतलब दलित लड़की ना पढ़ला मतलब हम ये के बानी नु तो ई आगे बढ़ल बानी
ये एक के घर हम ये घर बैठे नहीं तो पढ़ल बैठे बकिया कहू नहीं गे पढ़े ला पिठावे ला बाप मदारी पर लड़की से खुदे ना जावे ला कबू कबू अब कुनी के मन में का बामी के तो समझेबे नहीं करे कि कह के जो पढ़े कह के तो कुनी के खुदे ना जा एक एक जन बैठे नहीं तो एक जन खुदे ना जावे ला और जन के मन रहे ला पढ़े जाएगी पर आर्थिक अवस्था से पढ़े ना सकेला सब और कोनो पढ़बो कल बैठे नहीं तो कोनो बारे क्लियर बा गाँव में बैठे तो गाँव में तो पढ़िए ले और आगे पढ़े के इच्छा बैठे न जाए ना सकेला आर्थिक अवस्था से हम पापा के अथी से हमने के पढ़ले बानी हम पापा अगर ना जाइत ओने का तीर ओने के वातावरण में ना मिलत न तो हमने के ना पढ़ सकती अगर जैसे कि हम पापा गाँव में रहित गाँव घर में काम करत मतलब खेती बाड़ी में काम करत तो हमने के खेती बाड़ी में आज हमियों के खेती बाड़ी में काम करती रहती मेन प्रॉब्लम पापा गेलक न तो पापा बुझलक स्थिति होने के वातावरण अच्छा लागल उन्हें के लड़का सके देख लक हाँ लड़का सब पढ़े ला तो कितना के हम पापा के दूसरे मन में फीलिंग आयल मतलब तो हम पापा हमने के पढ़े ला पेठावे लागल हम जाए लगे दलित समुदाय के सशक्तिकरण आ हुनका सबके हक अधिकार के भूमिका खेल पड़े वाला समाज के अगुवा आ जनप्रतिनिधि सब दलित समुदाय के लेल आयल अवसर कार्यक्रम आ बजट हुनका सब धर नहीं पुग दैत अछि। सरोकार वाला निकाय में दलित समुदाय के उपस्थिति नहीं भेनाई आ गैर दलित के हाली मुहाली भेले के कारण एहन अवस्था से लक्षित दलित समुदाय के वंचित बनाबित आयल सुभद्रा अपने अनुभव केने छथि। मतलब जोन जैसे कि हमने गावी समय कोनो चीज आइबो करल तो उ आगेला दलित ला और करेला मतलब और मतलब एथी सब हमनी के उतना खाओ ना करेला तो लोग अगाड़ी के आदमी सब फॉर्म उड़म भर के अपनी के एथी हो जावेला सब कुछ हो जावेला हमनी के पास ना जब आदमी सब जाला सीखे तो हमनी कहें कथी के एथी भय से आले तो कहेला कि सरकार मतलब गावी सब से फंड आए रहा से बढ़िया तो हमनी के कहें कि तो उम्मीद दलितो आदमी के नई तो कहली दलित आदमी के नहीं खे तो हम कहें आदमी आई तो मैंने जो दोनों जन के आई न तो दलित के आई तो वैसे हमनी के ना देवेला हमनी के था ना चलेला उनके फॉर्म भर के मतलब और जात सब ले लेवेला हमनी के था ना चलेला। पछिलका समय मधेश के दलित समुदाय के बेटी पुतो घर से बाहर पढ़ लिख आ काम कर निकल के क्रम बढ़ चुकल मुदा अखन से हो अधिकांश के घर में बेटी हो या पुतो घर से बाहर निकल कर अखनो हुनका सबके सहज रूप में काम कर वाला अवस्था नहीं या तो पढ़ वाला अवस्था नहीं। सुभद्रा के से हो ओहन परिस्थिति के सामना कर पड़ल मुदा वो कतिपय अवस्था में प्रतिपाद केलक आ कतिपय अवस्था में परिवारक सदस्य सबके समझा बुझा कर वो अपन बाहर जाय वाला वातावरण स्वयं सृजना केले। अखन त वो समता फाउंडेशन के युवा सद्भावना दूत के रूप में कार्यरत छथि। हमनी के फ्रीडम उतना ना मिलला महिला सबके घर में रखले रहला कहके सब सब अभी ले बाटे अभी ना चेंज होलबा हम यहाँ पे खुद घर में बात करते हैं हम दूसरा के काय करी ऐसे कि मतलब फ्रीडम उतना ना मिलल मिले के तो उतना ना मिलेला घरे में रही घरे में करी वैसे ही बाटे की हर लड़की के बात हम करता नहीं हर दलित के भी बात करता नहीं ना वैसे ना होके जाए देला हमनी के लड़की सके न घरे में कहला रह कह के हम बरू हम जान हम सब कुछ करें पर लड़की सब घरे में हर लड़की के तो इच्छा रहेला कुछ करे के पर इच्छा दवाई करे के पड़ेला अपनी मतलब हम नहीं कहते मैम हम तो झगड़ा मगड़ा कह के पढ़ ले नहीं ना कर सकेला तो ना बोला हमनी के तो मतलब बोल चाल के कुछ पढ़ ले यहाँ तक तो आ गए गानी कह के हमारे फैमिलियो सपोर्ट करे ला कह के हाँ एक मन बाटे कह के तो करेला फिर भी तो हमने अकेले ना रहे नी उसमें मतलब फैमिलियो भी रहेला मतलब जहाँ फैमिली रही तभी ना रही हम खोज अकेले जाके पढ़े के तो ना मिली हमारा वो भैया बा तो भैया तो अथी से पढ़ा था नहीं। सुभद्रा समता फाउंडेशन में आबद्ध होबे से पहले अपना ऊपर विभेद भेल अछि एहि बात के जानकारी सेहो नहीं पाबै छल। दलित के गैर दलित के दुर्व्यवहार सहये परत समाज के चलन कहि कर स्वीकार कर बैसल छल मुदा समता फाउंडेशन में आबद्ध भेलाक बाद जाति आधार में कैल जाय वाला विभेद आ हिंसा बारे जानकारी भेल
आ ओकर बाद प्रतिवाद कर वाला आत्मविश्वास से हो बढ़ल हुनकर कहब है। साथे भविष्य में शिक्षक बनकर दलित समुदाय के संगठित बनाकर आगा बढ़ आ अपना सब सीखने बात सब सिखाब के योजना रहल है। हम बहुत फरक बाटे, पहले योजना ना कुछ जान रही, अब बहुत कुछ सीख ले बानी, समझ ले बानी। पहले तो हमने के समता फाउंडेशन ना जुड़ रही, तो अभी तो हमने के इस सब के बारे में उतना ज्ञान ना रहे, जैसे कि हमने के मतलब हमने के दुर्व्यवहार हो के हिंसा हो के हमने के मानी एक्सेप्ट करी, अब ना करे नहीं उतना। फिर भी पहले वो भी हमने के लड़ू तो फिर भी आदमी चुप करा देवे, और एगो हिम्मत ना रहे की हाँ दलित आदमी के एगो एकता बा कहके। मैम हम मतलब समता फाउंडेशन से कौनों से बहुत हिम्मत से बोल सके, हिम्मत से रखे की हाँ कहके हम यो को दलित आदमी आदमी के ऊपर कौन बा कहके, से आदमी बोलबो करी न तो हाँ आदमी से मिस बाटे ऊपर कहके हमने के अथी बात रखे तो कुछ हो नी के मिली न ना गाँव समाज से ना मिली तो कम से कम ऊपरों से तो सहयोग मिली न, इतना तो हिम्मत रखे नी हमने के मतलब और आदमी सबके जो हमी के ग्रुप मतलब हमी के टोला छिन्न का में के आदमी सब बैठे न तो कहे नहीं इस सब के बारे में, तो कहेला की हाँ अनुदान देम, जैसे हमारा में जो शिकायत भेज बन तो हम दूसरा में ट्रांसफर करम, जैसे की हमारा स्कूल से भी मिलल बटे समता फाउंडेशन से भी मिलल बटे सब दूसरों में ट्रांसफर करे के इच्छा बाटे कहके। दलित में हमके ग्रुप बना के जैसे की जो लड़का नहीं के पढ़ल ओकरा के पढ़े के पिठावे के बना मतलब पढ़े के भेजावे के मतलब सोच बाटे, जैसे की हमने के ना पुगता न तो उतना मतलब सहयोग मतलब आदमी के ना रहेला मिला उला के करे के हमने के सोच रखे नहीं। अखन अपने लोकन कार्यक्रम से नुरिया भोर सुन रहल छी। कार्यक्रम में प्रदेश दू के बारा आ रौथट जिला निवासी दू गोटे संघर्षशील दलित महिला के कथा प्रसारण कर रहल छी। ई कार्यक्रम अपने लोकन हरेक सेंदी भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धर सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 MHz, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 MHz, धनसा जिला में जानकी FM 106 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 MHz, सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 MHz, रौथट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 MHz आ परसा जिला में नारायणी FM 103.8 MHz में सुन सके छी। अखन धरि हम सब बारा जिला कलैया घोरहा निवासी सुभद्रा कुमारी पासवान के जीवनक अनुभव सुनलौं। आब हम सब रौथट जिला गरुड़ा रघुनाथपुर रहनिहार 23 वर्षीय बबीता कुमारी पासवान के अनुभव सुनब। सुभद्रा कुमारी पासवान जेहने रौथट जिला गरुड़ा रघुनाथपुर रहनिहार 23 वर्षीय बबीता कुमारी पासवान से हो दलित समुदाय में अग्रणी महिला के रूप में स्थापित होबा क्रम में रहल छथि। बबीता के गांव में 5-6 घर दलित समुदाय अंतर्गत दुसाध आ ततमा जाय तक अछि। अधिकांश परिवार के विपन्नता के कारण दैनिकीय कठिन रहल बबीता बताबै छथि। उ सब के भाषा कहल जाय त अभी बहुत गंभीर में बीत रहल है। 200-250 जति घर तो बहुत कठिनाई से चल रहा है सबके घर अभी, आ फिर उते ना ही सब शिक्षित मैम अभी शिक्षित में तो अभी खास करके उते ना बाब धीरे धीरे अब सब उतना का शिक्षित पड़ल बा। अब अपन अपन बाल बच्चा सब के अभी स्कूल पहले के सब आदमी सब तो अभी उते शिक्षित नहीं के बा, इन्हें और है के सब किसके कठिनाई है केहू के अब शिक्षा के कारण केहू दारू पी के घर में हल्ला बवाल करे कोनो कुछ करे, केहू के कमाही वाला ना बाल बच्चा सब बहुत छोटे छोटे सब हब, केहू के घर न रहे ला हब उन्हें टूटल फाटल में कपड़ा के ओहार लगा के रहल सब ऐसे नहीं बा। अब एक दिन कमा के एक दिन भर कमेलक शाम के एक तो दारू पी के हल्ला उल्ले कैलक बाल बच्चा के पिटलक परिवार के पिटलक। रह वाला घर में कपड़ा टांग का हवा रोक वाला बाध्य द
दलित परिवार के दिनहू खाए के लेल सेहो समस्या अछि। बबीता के अनुसार लगभग 200 सब देसी घर परिवार में त शरीर झांपे के लेल कपड़ा सेहो नहीं अछि। दलित परिवार सब एहन अवस्था में रह के प्रमुख कारण गैर दलित आ पद में रहल संबंधित सरोकार वाला या समाज के अगुआ सब रहल अछि। दलित के लेल आयल राहत होय या आन कोनो अवसर, ओ सब जानकारी नहीं द के अपन आ पहुँच वाला के प्रदान करैत आयल अछि, जै के कारण दलित परिवार के समस्या कहियो समाधान नहीं होइत अछि। ऊपर सुतावे ला तो हरेक किछु के सुविधा होय है ना, पर गांव घर में आते आते ऊपरे से ऊपरे आदमी सब अथी सब तान लिये, केहू दू चार जना के बैठा के कह दिये कोनो बात अपने निम्न निम्न आदमी सब, आ बस सही कह के अपन ऊपरे से ऊपरे चल जाइए। गांव में की केना होला पते ले से कोनो अवस्था न होला, आबो किछु किछु एक दू बार आयला ऊपरे से ऊपरे निम्न निम्न आदमी सब है, उ सबके समझेला कोनो ठीक है, ऐसे कहके अब निम्न निम्न आदमी दूसरों के नाम पर सही कहके साइन कहके चल जालन, अब नीचा के आदमी तो रोड में रह जाए। समस्या तो ऊपरी से हो या जिन आदमी के मिल जाए कुछ उगे आदमी हड़प ले, आ जिन्हें न भेटे वाला सामान उन्हें भेट जाए, अथी सब काम ऊपरी से ऊपरे कर लिया तो नीचा के आदमी सबके कथी मिली कुछ नहीं, जैसे भी अब ये कुछ हो तो सबके लागे हो तो सबके इकट्ठा करके सबके ढेला करके सबके समझा के अथी करी सबके शिक्षा दी तब ना आगे बढ़े सब कुछ में बढ़ी। कनी टाठा बाठा दलित अगुआ के लक्षित दलित परिवार धरि हुनका सबके लेल आयल अवसर होय या राहत पुगर नहीं देत अछि। दलित समुदाय में अधिकांश के एहन सुविधा सब के बारे में जानकारी नहीं होइत अछि, त हुनका सब सेहो खासे वास्ता नहीं करैत अछि। मालूम हो कि तब न मांगे जाए, मैं मालूम नहीं के केकरो मिले तो कैसे मांगे जाए, देवो करे ले तो और जना से देवो ले और जना से न देवो, आधा सामान दी आधा सामान राखे आधा से कमे दी, ओहू में निकल निकल के कौन दलित आवाज उठाई, दलित में से केहू केहू हो कि जे अगिलगा सब उहे सब तान ली तो कथी आवाज कौन उठाई। इस समस्या सब के बावजूद से हो दलित समुदाय के आदमी सब में परिवर्तन आ चेतना के स्तर बढ़ रहल अछि। बबीता अपन गांव में एकमात्र दलित समुदाय के पुतोह छथि जे स्नातक तक पढ़ने छथि। पुतोह के घर से बाहर नहीं निकल देवे वाला दलित परिवार सब बबीता के बाहर पढ़ आ काम कर जाइत देख कर, बबीता के घर से बाहर पढ़ आ काम कर के लेल जाइत देख कर अपन पुतोह सब के सेहो बाहर पठाव शुरू केलक अछि। सब फ्री छी हमने सबके निकले जाते सबके, अब तो सब अवस्था सब, लेकिन घर के अब तो हम सब न जानबे न पूरा, हम सबके अथी पासवान जाति में तो सबसे बेसी पढ़ल लिखल हम ही छी, हमरा से सब कम कम ही अथी, हमरा घर के परिवार से तो सब शिक्षित है, तो देखा सीखी से तो उनकर पुतो निकले छी बाहर से, अब हम अपनों के चाह निकाले ला पढ़े लागी, ऐसा सब अब केहू केहू के पतो सबके तो देख रहा स्कूल भी जाये थी ससुरारे घर से, उतना खास करके अब ओहन अवस्था में न है, पर भी बहुत है केहू होकर तो कहले घर में रहे लगी साड़ी लगा के बाहर न निकले। मधेश समुदाय में मादक पदार्थ सेवन कर महिला के मारपीट करे वाला घटना पर्याप्त अछि। बबीता के गांव में सेहो एहने समस्या अछि, मुदा बबीता आइ काल्हि तेहन दुर्व्यवहार करे वाला पुरुष आ पीड़ित महिला सब के एक जजमा कर समझायल करै छथि। अब खाला पीला में उनका कुछ न बुझाई, क्योंकि अब पीले रही जति तति बोलते बोलते दारू सुनी ली, अब हम सब के घर में तो हम सब न है दारू पी के अथी हो जाले कि कुछ न बुझा ले, जति मन चाह ले जति बोल ले, अब केहू केहू के बोल ले तो केहू केहू कल हम अपना टेंशन से पी रहल छी कि कथी करो जाओ कि दो कमाई छी तो पी छी खाय छी पी छी, तैसन आवाज सब बोल रहल बा,
किनकरा कहे जाये अब कहे हमार गार्जियन तो पीट देले तो कथी हो गई दारू पी ले तो पीट देले अब नीम बाती थोड़ी ना पीटती की दोस्ती है आवाज बोली तो सारा पीछे कम कथी बोली भेला कहके तो कहेली तो ओती खाने के लागे तनका देर के लागे कुछ समझ जाले और सबके तो एक बार बुलाम तो खूबी हाला उला हो हाप हाप के लेके सब तो भेला करा के तब कहे तिघानी तो बहुत अच्छा से बोले ले पहले आएंगे से इसे न होखी अब कुछ दिन बीत जाए तो फिर अब सब जेहने बातें इन्हें चली तो अब समझावे ली तो दारू पी के आई ले उती खुने बोले लागल ना तो ये ना बोली ली तो नीचा से ऊपर माथान माथना कर ले अब बाद में अब खा पी के बोले लागे तब हम समझावे छे तो हमरे पर बोले लागे अब एहन एहन आवाज जाति के आधार में कर जाए वाला विभेद विरुद्ध छोटे सा आवाज उठावित आयल बबीता के समता संगे के आबद्धता से अपना में आवाज थप बुलंद बनाब सहयोग के ने अनुभव है। ततबे मात्र नहीं भ क सामाजिक न्याय लैंगिक आकार बारे से हो आब वो अपना सचेत हो आ दोसर के से हो सचेत बनावित आगा बढ़ रहल छथि। हम सब केना करबी से हमर समाज गांव आगे बढ़ते कैसे करबी दे छुआछूत के भेदभाव होते हटे ला तो नहीं हटी कबू न हटी छुआछूत के भेदभाव जब तक न पूरा समाज के आदमी शिक्षित हो या पीढ़ी से तब तक छुआछूत न हटी। छुआछूत के बारे में तो हम सब पहले ही आवाज उठाई रही है छुआछूत के बारे में लैंगिक भेदभाव इस सब के बारे में सामाजिक न्याय के बारे में इस सब के बारे में जानकारी दिला ना महिला हिंसा के बारे में जैसे हम सब कहूँ गेली तो फलना जाति के महिला उनकरा लंग न बैठ उनकरा लंग न अति कर छुआ जतो कह के और सब लंग सब से अलग रह कह के एहन एहन बात अति कैला ना आ हम सब से जोर दिलाना कि ऐसे जोन आदमी करे उनकरा जैसे भी बोले वैसा ही कि उनकरा जवाब दू आ तब समझाओ उसे उनकरा खून में कथी या तोहरा खून में कथी कह के सबके तखुन एके लेखुन लाल है सबके खून से सब ते एक आदमी अब नीचे आयला के बाद में सब जात छुटिया के फलना नीच जाति ऊंच जाति कह के इसे भेदभाव न रखेला ये सब। आजुक कार्यक्रम में दू गोटे युवा सद्भाव दूत के कथा सुनला पर जातीय भेदभाव आ छुआछूत अंत के समस्या दलित जाति के मात्रे नहीं भ कर साझा समस्या अछि कहि कर सोच के साथ आगा बढ़ आवश्यक अछि। ई जातीय समस्या हमर सेहो अछि ई कहि कर स्वीकारत गैर दलित समुदाय अपन मानसिकता के परिवर्तन कर आवश्यक अछि। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भेला पर हमरा सब के विद्युतीय पत्र अवश्य लिखब। हमरा सब के पत्र पठाब वाला ईमेल ठेगान रहल अछि info@samtafoundation.org। तहिना क हमरा सब के सामाजिक संजाल मार्फत से हो अपने लोकन अमूल्य प्रतिक्रिया सलाह आ सुझाव सब द सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउंडेशन राइजिंग मीडिया संघ के सहकार्य में उत्पादन केने अछि। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के आजुक समय यह विषय वस्तु सब संग समाप्त भ रहल अछि। दोसर सप्ताह फिर से यह समय उपस्थित हेबे करब। ताधरि के लेल कार्यक्रम उत्पादन टोली सहित हम संजू सेहो विदा होबय चाहै छी। नमस्कार। अहाँ सभक सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतै।